नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। आज बिहार विधानसभा जाते समय मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को रोक करके अधिकारियों की गाड़ी को आगे जाने दिया गया, जिसे लेकर के मंत्री जी काफी गुस्से में हैं। उन्होंने सदन में भी ये मुद्दा उठाया और अब इसे लेकर के सियासत लगातार जारी है। अब मंत्री जी के समर्थन में कई विधायक उतरे हैं और उनके साथ इस व्यवहार को लेकर के वो अफसरों की निंदा कर रहे हैं। वो बिहार सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप सुनिए। मंत्री को भी अब नहीं छोड़ा जा रहा है, अब बचा क्या है? विधायिका में अब उनका मान और सम्मान नहीं रहेगा तो वो सदन में आके क्या करेंगे? इसलिए सब लोगों को इस पर एक होना चाहिए और माननीय मंत्री और विधायकों का जो मान और सम्मान है वो कैसे बचा रहे, उस पर सब लोगों को पहल करना चाहिए। देखिए आज जिस तरीके से फिर अंदर वही चल रहा था कि जो सिपाही होगा उस पर कार्रवाई होगा। अरे DM और SP पर कार्रवाई होना चाहिए, उन्होंने लोकतंत्र पे हमला किया है, आज उस पर कार्रवाई हो, हम लोग ये मांग करते हैं। DM और SP को सस्पेंड किया जाए। पुलिसिया राज बंद करो। हाँ, ये आज देखिए जिस तरह से सदन में माननीय मंत्री महोदय जी को जो है रोड पर अपमानित किया गया है, पुलिसिया राज कायम है। हम लोग विपक्ष के नाते शुरू से कहते आए हैं कि बिहार में पुलिस जो है पब्लिक को घुस के मार रही थी, वो भी हम लोग देख रहे थे। फिर जो है देखे कि विधानसभा में पुलिस घुस करके विधायकों की मारी, और आज जो है मंत्री महोदय को अपमानित किया है। और ये जिस तरह से सदन की गरिमा को गिराने का कोशिश किया है, हम लोग समझते हैं कि मंत्री महोदय को न्याय मिलना चाहिए, और सरकार में रह करके उनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। सदन का अपमान हुआ है, मंत्री का अपमान सदन का अपमान है। आज हम लोग जो है इसको प्रोटेस्ट करेंगे और आंदोलित है। अगर 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 माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काफिला नहीं हो तो उनके साथ भी यही होगा। इन लोगों ने बिहार को पुलिस राज बना दिया है। 23 मार्च को जो सदन में माननीय विधायकों की पिटाई करवाई गई, यही पुलिस कानून का मतलब है। यही DM SP को सस्पेंड किया जाए, सिपाही को बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? देखिए जिस तरह से मंत्री ने एक आम जनता नहीं, आम विधायक नहीं, सरकार रो के कह रही है सदन में कि हमको इस तरह से बेइज्जत किया गया, वो इस्तीफा करने के लिए तैयार थे, तो मामला कहीं ना कहीं गंभीर है और पूरे सदन एकजुट है और विपक्ष भी उनके साथ है। और सरकार जब तक उस पर अभी स्पीकर यदि घोषणा नहीं करते हैं, DM SP को बुला के उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक सदन हम लोग नहीं चलने देंगे। नहीं, ये नहीं होगा। जो इसमें दोषी है उसी पर DM SP के बुला के पहले उस पर शोकाउट करके उस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो तब तक हम लोग सदन नहीं चलेंगे। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त अफसरशाही को लेकर के सियासत गर्म है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो नीतीश सरकार को घेरे हुए हैं और इसको लेकर के लगातार बयानबाजी भी हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।